राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। आप कोई एक टेक रख लो मन में पक्की, ऐसा हमको करना है। केवल इतने नियम ले लो कि हम स्नान करके सबसे पहले जगन्नाथ जी का निर्मा ले लेंगे, इसके बिना कुछ नहीं लेंगे। तो कोई ना कोई ऐसा अवसर जरूर आएगा जब जगन्नाथ जी का निर्मा कहीं छूट जाएगा, नहीं रह जाएगा, आप भूख के मारे छटपटाने लग जाओगे, कहीं खोजने से भी जगन्नाथ जी का निर्मा नहीं मिलेगा। पर यदि उस समय ये पक्का कर लिया कि प्राण भले ही चले जाएं, पर बिना जगन्नाथ जी का निर्मा लिए कुछ भी न लेने की प्रतिज्ञा है, तो वो हम नहीं छोड़ सकते। उसी समय सब काम हो जाए। ये बात हमें छोटे से छोटा नियम, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक माई ने, अभी भी वो माई है, माने धरती पे है, यहां नहीं है, धरती पे है। एक माई ने ये निश्चय किया, मैं जगन्नाथ जी का निर्मा लिए बिना कुछ नहीं लूंगी। जगन्नाथ जी का जो सूखा महाप्रसाद होता रोज लेना, दास भी लेता है और दास के प्रति लोगों का बड़ा प्रेम है। तो हम समझते हैं कि देश विदेश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन जगन्नाथ जी का निर्मा लेते हैं, हजारों की संख्या। पुरी के लोग तो कहते हैं कि बाबा आपने दाम बढ़ा दिया, खूब लोग ले जाते हैं, हमारे पास भी लोग लाते हैं कहाँ कहाँ से। तो महाराज, उस माई ने कहा, महाराज जी मैं नियम ले रही हूँ कि मैं जगन्नाथ, बहुत अच्छी बात, ले लो। अब वो रोज बेचारी ले रही थी स्नान के बाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का कण, और वो पोटली तो होती है, वो पोटली चूहा ले गया कुछ दिन बाद। अब चूहा ले गया तो पूरे घर में खोजा, मिली नहीं। अब यहाँ तो जगन्नाथपुरी नहीं, पता लगाया मलुक पीठ में महाराज जी हैं, बोले नहीं नहीं है महाराज, तो बाहर गए हैं, महाराज होते तो उनके पास मिल जाता, दिल्ली से आने में कितना टाइम लगेगा। तो उनके पतिदेव ने कहा कि देखो कल का व्रत था, आज हो गया, अब जगन्नाथ जाएंगे, महाराज हैं नहीं, अब भगवान का प्रसाद ही तो है, खाओ प्रेम से, क्या भूखे प्यासे मरने से क्या फायदा। उसने कहा मैं महाराज के सामने नियम ले, मर भले ही जाऊं, पर मैं तो, अरे बोले ना आज टिकट मिल रहा है, कहाँ से हवाई जहाज से भी जाओगे तो समय तो लगेगा, ऐसे भूखे प्यासे मर जाओ क्या होगा ऐसे। तो आपको फुर्सत हो तो आप जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, हम तो बिना जगन्नाथ जी का प्रसाद लिए कुछ नहीं। पक्का कर लिया उसने, माई ने। अब बहुत रोने लगी कि हमने नियम लिया था, हमारा नियम बताओ, आज क्या हो गया, कैसे हो गया, नियम चला गया, बहुत रो रही थी। रोते रोते सोई, जबकि आई ने दिन की बात है, और सवेरे से कुछ पानी भी नहीं पिया था, कुछ नहीं खाए पिया था। तो जैसी झपकी सी आई, जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, बोले तू चिंता मत कर, वो तो चूहा ले गया, वो मिलना कठिन है, बिल में भीतर लेके चला गया, पर एक पोटली तुम्हें ध्यान नहीं है, तुमने गोदरेज की अलमारी के लॉकर के अमुक कोने में रख रखी है, वहां रखिए, वहां ले लो और मेरा निर्माल्य ग्रहण करके और कुछ खाओ पियो, भूखे मत रहो। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा उसको, दिन की बात। वो हड़बड़ा के उठी, गोदरेज की अलमारी खोली, अलमारी के भीतर एक होता ना बक्सा जैसा, लॉकर जैसा होता है, उसके भीतर देखा तो उसमें एक पोटली मिल गई। अरे बड़ी खुश हुई, आकर उसने हमको बता दे महाराज जी, अभी तक कभी जगन्नाथ जी नहीं दिखे, जगन्नाथ जी का निर्मा लेने से। अब देखो खा लेती तो जगन्नाथ जी दिखते,
अपार कृपा है। हमारे हृदय में बिल्कुल नियम निष्ठा नहीं है, कोई दृढ़ता नहीं है, न नियम की दृढ़ता है, न भजन की दृढ़ता है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम स्वयं अनुभव करते हैं जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है, महीने में कम से कम दो बार कोई न कोई व्यक्ति आकर हमको जगन्नाथ जी का प्रसाद देता है। तो नहीं बुलाते, केवल एक श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से विचार रहता है कि हम स्नान करके और कुछ ना करें। जब भी स्नान करके संध्या उपासना के लिए बैठे, संध्या पीछे जब पीछे, सबसे पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद लें। तो जगन्नाथ जी व्यवस्था करते हैं, आपको सुनकर कई घटनाएं ऐसी घट गई कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मलिन हृदय पर मैं तो विश्वास ही नहीं होगा कैसा भी हो सकता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।